चलिए, कल एक प्रधानमंत्री मिनट, से एक बिहार का डेलीगेशन मिल विधानमंडल रहा का है, सदस्य मिला आप भी मिल रहे हैं, 11 लेकिन सदस्यीय डेलीगेशन मिलेगा, सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, आप भी लगातार मांग करते रहे, आपने भी पत्र लिखा था कि जातीय नहीं जनगणना नहीं होनी आपको चाहिए। पहले जातीय जनगणना समझना पड़ेगा। जातीय जनगणना की आखिरी जनगणना जो हुआ था, कास्ट सेंसस जो हुआ था, 1931 में हुआ था, और 1931 से पहले हर 10 10 साल पे होता रहा, किन कारणवश नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले इलाज करना है तो उसका बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना जो है बीमारी का पता करता है, समाज में कौन लोग जो हैं गरीब हैं, आर्थिक रूप से कौन सा समाज जात जो है पिछड़ा है, गरीब है, जिसको मुख्य धारा में, आखिर वो कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं मजदूरी करते हैं, कौन जात के लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो जब तक आपको इस बीमारी का नहीं पता चलेगा तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। तो जब हमको पता चल जाएगा कि कौन समाज गरीब है तो उसके लिए बजट के लिए हम लोग अलग से प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन करके एलोकेट करेंगे उनके लिए, ताकि कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाया जाए और उस तंगी से जो है वो आगे बढ़ सकें और गरीबी जो है मिट सकें। कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है जात को बांटने का काम करता है, तब तो धर्म की गिनती भी नहीं होनी चाहिए, तो धर्म में भी लड़ाई होगा। तो ये बकवास बातें हैं, किसी के गिनती से कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि हमको तो पता चलेगा कि संख्या क्या है, कौन लोग क्या हैं। लालू जी ने काफ़ी जाति जनगणना के लिए संघर्ष किया, और यूपीए के समय भी, उस समय जब जाति जनगणना पार्लियामेंट में 2010 के करीब जो है भाषण भी दिया था, मांग भी की थी कि आर्थिक शैक्षणिक और जातीय जनगणना होनी चाहिए। उस समय गिनती भी हुई थी, लेकिन 14 में आने के बाद बीजेपी के लोगों ने उस पर पब्लिक डोमेन में आने नहीं दिया गया। अब जो भी कारण रहा है, पार्लियामेंट में भी कुछ बार जो है सवाल पूछा गया कि भाई जातीय जनगणना जो है होगा या नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना किया। हमने इस बात पे भी कहा मुख्यमंत्री जी को सदन में भी, बिहार विधानसभा में, कि बिहार हमारी पार्टी के मांग पे, हमारे नेता की मांग पे 2 बारी बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2 बार हम लोग बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी भले ही हमको आपके नेतृत्व में जाना पड़े, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिल लें, मुख्यमंत्री जी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी तो बढ़ नहीं रही थी प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो हम लोगों की मांग पे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा, देरी समय मिला, लेकिन समय मिला है तो कल जाकर के इस चीज़ को जो है मांग को उनके सामने मतलब आप लोगों के दबाव के क्या कारण उम्मीद उन्होंने है सर? उन्होंने समय मांगा। उम्मीद है, क्या लगती उम्मीद है सर, उम्मीद क्या लगती उम्मीद है कल क्या बैठक है, के बाद? उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा, केंद्र सरकार मानेगी इस बात को? देखिए, जब तक ये काम, असल में असली काम यही है, आप भले ही राज्यों को अनुमति दे दीजिए कि कौन सी जाति के लोगों को ओबीसी में डालना है, आप अलग अलग योजनाएं बनाएं, लेकिन बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले पता तो चल जाए कौन बीमार है और क्या बीमारी है, तभी तो अच्छा इलाज हो पाएगा, तभी तो असल जो कारण है गरीबी मिटती क्यों नहीं है। तो इसलिए ये काम जो है बेहद जरूरी है, तेजस्वी जी, आज या तो कल ये होना ही है, इससे बेहतर आज हम करें। सर कल आप तेजस्वी साथ जी, में जाएंगे? तेजस्वी जी, कल आप लोग साथ ही तेजस्वी में जी, क्या जाएंगे तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री? लेकर के लालू जी से कुछ बातचीत हुई है? आज तो रक्षाबंधन है, जी, और रक्षाबंधन तो खुशियों का त्योहार है। रक्षा देने का वादा बहन को किया जाता है, भाई करता है, पूरा देश इसमें आज जो है खुशियां मना रहा है। आज बधाई आप लोगों को भी देते हैं, अब मुंह मीठा कीजिए, हम लोग भी परिवार में।